है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, रूस का यूक्रेन पर हमले का आरोप भी लगा है और हेलीकॉप्टर से ये हमले कराए गए हैं, ये कहना है रूस का। हालांकि यूक्रेन का हमले से साफ इनकार है और यूक्रेन के सैन्य अधिकारी ने इसको लेकर दावा भी किया है। तस्वीरें भी सामने आ गई है, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बेलग्रद में रूस में ये तेल डिपो धुंधू कर जल रहा है और रूस का ये कहना है कि यूक्रेन की ओर से यहाँ पर हवाई आक्रमण किया गया था। इस बीच यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के बेलग्रद शहर में बड़ा हवाई हमला हो गया, जिसे पश्चिमी देशों ने पुतिन की नई चाल करार दिया। इस हमले में वहां तेल का एक बड़ा डिपो तबाह हो गया और इसका वीडियो भी खुद रूस ने ही जारी किया, जिसमें हवाई हमले के बाद तेल डिपो आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। वहां लगी आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई पड़ रही थी और उसकी तेज रोशनी ने लोगों की आंखें चौंधिया दी। यही नहीं, उससे निकल रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया और जैसे जैसे वक्त बीतता गया तेल डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई। देखते ही देखते वहां मौजूद तेल के 8 बड़े बड़े टैंक इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद तो पूरा तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया और रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना के हेलीकॉप्टरों ने उसकी सीमा में घुसकर इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि पश्चिमी देशों ने इस हमले को पुतिन का फॉल्स फ्लैग अटैक बता दिया, मतलब ऐसी कार्रवाई जिसके जरिए कोई देश जानबूझकर अपनी ही संपत्ति या लोगों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस से निकाले जा चुके एक राजनेता इल्या पनामरोव ने दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराने के लिए अपने ही शहरों में हमले की साजिश रच रहे हैं। यही नहीं, ये भी दावा किया गया था कि पुतिन इन हमलों की जिम्मेदारी अपनी खुफिया एजेंसी FSB को सौंप सकते हैं, जिसके लिए वजह बताई गई थी यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराना। और बेलग्रद में हुए हमले के बाद ये दावा सही साबित होता भी दिखा, क्योंकि यूक्रेन पर इस हमले का आरोप लगाते हुए रूस ने उसके साथ चल रही शांति वार्ता से वॉकआउट की धमकी दे डाली, जिसके बाद पुतिन के इस षड्यंत्र को लेकर पश्चिमी देशों का शक और गहरा गया। क्योंकि बेलग्रद शहर में तेल डिपो पर हुए हमले में 2 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें लेकर दावा है कि ठीक इसी तरह के हेलीकॉप्टर रूस की सेना यूक्रेन में इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं, 3 दिन पहले भी रूस ने यूक्रेन पर बेलग्रद शहर में एक हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया था, जबकि बाद में पता चला कि हथियार डिपो में धमाका मिसाइल गिरने से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुआ था। इसके बावजूद रूस इस बात पर अड़ा है कि उसके तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस हमले की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ ही सेकंड के अंदर 2 रॉकेट तेल डिपो की ओर बढ़ते दिखाई दिए, जिनके गिरते ही तेल डिपो में धमाका होता दिखाई दिया और फिर वहां से आग का एक बड़ा बवंडर उठना शुरू हो गया। यही नहीं, इस हमले के ठीक बाद वहां बेहद कम ऊंचाई पर 2 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते नजर आए। हालांकि बेलग्रद में हुए हमले में किसका हाथ है यह अब तक साफ नहीं है और पश्चिमी मीडिया इसे पुतिन की खुद की साजिश बता रही है, लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नहीं इस हमले की जिम्मेदारी ली है और नहीं इस हमले से इनकार किया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना के इन हेलीकॉप्टरों ने अंधेरे में रूस की सीमा में करीब 40 किलोमीटर अंदर घुसकर हवाई हमले को अंजाम दिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद तेल डिपो में भड़की आग उजाला होने के बाद भी धधकती रही, जिसकी जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की बड़ी टीम आग बुझाने पहुंच गई, जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर तेल डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन टैंकों में तेल भरा होने की वजह से आग बुझने की बजाय और बढ़ती गई, जिसे देखकर दमकल कर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए। कई घंटों तक वहां आग को बुझाने की कोशिश जारी रही, लेकिन तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती रहीं। जंग को 37 दिन बीत चुके हैं, अब कीव की बजाय रूस की फौज का ज्यादा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी छोर पर है। अजोव सागर की सीमा पर बसा यूक्रेन का शहर मारियोपोल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी ये फैसला नहीं हो पाया है कि मारियोपोल किसकी मुट्ठी में है। अब मारियोपोल में रूस की सेना के साथ खड़े हो गए हैं रमजान कादिरफ और उनके चेचन लड़ाके। मारियोपोल के बाहर के इलाकों में तबाही मचाने वाले इन लड़ाकों ने अब शहर के बीचों बीच भी हमले किए और इसके लिए चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले से पहले रमजान कादिरफ के ये लड़ाके मारियोपोल के एक इलाके में जमा हुए। थोड़ी देर तक वहां आसपास की जगह का जायजा लेने के बाद उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए लकड़ी के एक बड़े बक्से से कई रॉकेट निकालकर सड़क पर रख दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक चेचन लड़ाका रॉकेट लॉन्चर को तैयार करता दिखा। इसके बाद 2 लोगों ने रॉकेट लॉन्चर को उठाया और टारगेट की तरफ ले गए। वहां पहले दूरबीन से निशाने को देखा गया और फिर रॉकेट को लोड करके दाग दिया गया।
इसी तरह चेचन लड़ाकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट निशाने की तरफ छोड़े। लेकिन मारियोपोल में चेचन लड़ाकों के इस भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि कादिरव के खूंखार लड़ाकों ने मशहूर होने के लिए कई इलाकों में नकली हमले किए और उसका वीडियो बनाया। यानी उन्होंने उस वक्त भी फायरिंग की जब उनके सामने कोई दुश्मन ही नहीं था, और ऐसा ही एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने कादिरव के जवानों का मजाक उड़ाया। इस वीडियो में तीन चेचन लड़ाके एक सड़क पर खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आए। जिस तरफ उन्होंने फायरिंग की वहां कई खंभे नजर आए जिनमें एक पर ट्रैफिक लाइट लगी दिखाई दी। यूक्रेन ने इसी का जिक्र किया और मजाक उड़ाया कि कादिरव के लड़ाकों ने ट्रैफिक लाइट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि चेचन लड़ाकों की ऐसी दिखावे की फायरिंग का ही नतीजा था कि वहां से न तो किसी के मौत की खबर आई और न ही कोई घायल हुआ। वहीं यूक्रेन ने भले ही चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाया हो, लेकिन वहां के एक अधिकारी की तरफ से जारी किए गए वीडियो ने उनके हमलों से मची तबाही को दिखाया, और ये वीडियो रूसी सैनिकों और कादिरव के लड़ाकों के हमले की गवाह रही एक लड़की ने बनाया, जिसमें उसने अपने घर के हर हिस्से को दिखाया। रूसी मिसाइलों के हमले ने उसके घर को काफी नुकसान पहुंचाया। खिड़कियों और दरवाजों के टुकड़े कमरों में गिरे नजर आए। पूरे घर में चकनाचूर हुए शीशे बिखरे दिखाई दिए। वीडियो बनाने वाली लड़की ने घर से बाहर के हालात भी दिखाए। वहां कई इमारतों में आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। बताया गया कि हमले में उस लड़की के पिता समेत दो लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। उधर मारियोपोल में यूक्रेन के नेशनल गार्ड यूनिट के कई सैनिकों को रूस ने मिसाइल से हमला कर मार गिराने का दावा किया। रूसी सेना ने इन्हें तब निशाना बनाया जब वो लोग वहां से भागने की कोशिश में जुटे थे और जान बचाने के लिए शहर की एक इमारत में छिपे हुए थे। तभी रूस की सेना ने उस इमारत को ही मिसाइल से उड़ा दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें मिसाइल हमले के बाद वो इमारत मलबे के ढेर में तब्दील होती दिखाई दी। हमला होते ही वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस की सेना ने जिन लोगों को हवाई हमला कर उड़ाया वो यूक्रेन की स्पेशल फोर्स यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिक थे। ये रेजिमेंट यूक्रेन की सेना का नेशनल गार्ड यूनिट है, जिसमें शामिल ये जवान मारियोपोल शहर को रूस की सेना से बचाने के लिए कई दिनों से वहां जंग लड़ रहे थे। रूस समर्थित विद्रोहियों ने मारियोपोल शहर के पास यूक्रेन के एक Mi-8 हेलीकॉप्टर को हवा में ढेर करने का दावा किया। उसकी तरफ से सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में चारों तरफ हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा दिखाई दिया। खबर है कि यह हेलीकॉप्टर विद्रोहियों वाले इलाके की ओर बढ़ रहा था और हमले की फिराक में था, लेकिन तभी इसे मार गिराया गया। निशाना इतना सटीक था कि हेलीकॉप्टर के कई टुकड़े हो गए। विद्रोहियों ने आधुनिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया। सामने आई तस्वीरों में कुछ सैनिकों के शव पड़े नजर आए। यही नहीं, हथियार और गोलियों के बॉक्स भी पड़े दिखाई दिए। बताया गया कि जिस समय हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया उसमें यूक्रेन के 17 सैनिक सवार थे, जिसमें 15 की तो तुरंत मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। और 37 दिनों से जारी महायुद्ध से हुई महातबाही की रोज नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन के एक फिल्म निर्माता ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो कीव से है, एक हवाई अड्डे का है जो रूसी हमलों में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, तबाह हो चुका है। और वीडियो को लेकर यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि 28 फरवरी को हुए इस हमले में भारी नुकसान हुआ, जिसमें हवाई अड्डा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है।